वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा दीक्षित पांडे ब्लॉग। और मैं शिखा दीक्षित इस ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इतनी प्यारी प्यारी धूप के साथ में गुड मॉर्निंग। और गाइस अभी शिव स्कूल जा चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ अपना काम शुरू करने के लिए। तो उससे पहले मैंने सोचा कि अपने सारे फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग बोल दूँ। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। तो गाइस आज खाने में है अरहर की दाल, बंधा आलू मटर टमाटर की सब्जी, चावल रोटी और ये सैलेड है प्याज और टमाटर का। और अब मैं जा रही हूँ इसको खाने। तो गाइस हम लोग ढूंढ रहे हैं अपने टिड्डू को जो बहुत दिन से नहीं मिल रहा, लगभग 4-5 दिन से नहीं मिल रहा है और उसे हर जगह ढूंढ चुके हैं। तो अब थोड़ी थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि शायद एसी के ऊपर शायद गिर गया हो, क्योंकि शिव उसके साथ बहुत खेलते हैं तो शायद खेलते खेलते एसी के ऊपर चला गया हो। वैसे हर जगह उसे ढूंढा जा चुका है बट कहीं ध्यान नहीं आ रहा कि कहाँ वो मिल रहा है। 4-5 दिन से बराबर टिड्डू की ढूंढाई हो रही है और बस हर जगह आज देख रहे हैं। ऊपर के साइड, नीचे तो मैं देख चुकी, ऊपर के साइड अब देख रहा हूँ। और अब शिव को तो वैसे भी मम्मी वीडियो बना रही है और मैं देखता हूँ इसके अंदर कुछ है तो गिर गया है। मेरा बच्चा नहीं मिल रहा था टिट्टा मेरा। मैं शायद खेल रहा था, मैंने उसको उसके अंदर छुपा दिया था मजे में। मुझे इसके अंदर इतने दिन तक बंद रखा इन्होंने अब ये हंस रहे हैं और मैं इतने दिन से रो रहा था। मुझे तो इतने दिन से बंद रखा, मैं तो सांस भी नहीं ले पाया अच्छे से। अब जाके सांस में सांस आई है मेरे, मैं बहुत खुश हूँ। टिड्डू हम लोग भी बहुत खुश हो गए तुम्हें देख के, इतने दिन से बहुत परेशान थे मेरा टिड्डा कहाँ गया कहाँ नहीं था। मैं तो बहुत थी। हाँ माँ मुझे भी आपकी याद आ रही थी, आप मुझे याद कर रही थी तो ना। मैं अब आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, बस दादा से रखना। सामने प्लॉट पे मिट्टी डाल के थोड़ा आइडिया बराबर कर रहे हैं। तो गाइस शिव देख रहे हैं टीवी और मैंने दिया था नाश्ता, तो नाश्ते पे तो फोकस कम है, फुल फोकस है टीवी पे। और मैं पूछ रही हूँ कि कुछ अच्छा लग रहा है नाश्ता कि नहीं, तो कोई रिस्पांस नहीं, टीवी पे फुल फोकस। गाइस आज खाने में बनी है आलू गोभी की सब्जी और रोटी, और मैंने जरा सा लिया हुआ है धनिया वाला नमक। और अभी हम जा रहे हैं अपना खाना खाने। 11:15 और मैं इतने सारे कपड़े अब प्रेस करके ही रात में तभी सोऊंगी, उससे पहले सोऊंगी नहीं क्योंकि दिन में इतना टाइम मिल नहीं पाता है। तो फिर प्रेस करने के मिलते हैं, प्रेस करने के बाद मिलते हैं आपसे। तो गैस मेरे के सारे कपड़े हो गए हैं प्रेस और बच गई हैं रात के 1:30, और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो गैस देखिए सब लोग सो गए हैं और मैं अकेले प्रेस कर रही थी और मेरे सभी सारे कपड़े हो गए हैं और बस मैं धो धो के इधर कई दिन से रखती जा रही थी और प्रेस करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली मैंने सारे कपड़े प्रेस कर लिए हैं और बाय।